इंदौर से सटे शहर में पिछले कई दिनों से पीने के पानी की समस्या है, जबकि जलुत से नर्मदा का पानी महू होते हुए ही इंदौर जाता है। बावजूद इसके महू गांव में 8 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, इससे यहां के रहवासी काफी परेशान है। महू गांव नगर परिषद क्षेत्र में नर्मदा जल नहीं आने से रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। लोगों को पेयजल के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। रहवासियों का कहना है कि जब नल कनेक्शन के बिल में अगर एक दिन की भी देरी होती है तो 20 रुपए की पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन अब कई दिनों से पानी नहीं आ रहा है तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी शिकायत नगर परिषद कार्यालय के CMO से भी कई बार की गई, लेकिन वह भी सुनने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके पानी का बिल 50 रुपए प्रतिमा बढ़ा दिया है। रहवासियों का यह भी कहना है कि मजबूरी में लोग पानी का टैंकर डलवा रहे हैं। महू से अंजित मोनू बाथम की रिपोर्ट। 15 दिन से नल नहीं चल रहे हैं, 15 दिन से नल नहीं चल रहे हैं। महीने में बिल बराबर ले रहे हैं, पूरा बिल ले रहे हैं। 150 आता था पहले, आप 20 रुपए पे पूरा 50 रुपए डाल के पूरे 200 रुपए कर दिया है। पेनल्टी ले रहे हैं, एक दिन अगर नहीं भरते हैं, लेट भरते हैं तो पेनल्टी ले रहे हैं। तो पानी की समस्या हमें लेकर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा है। बोलते हैं कर रहे हैं, पाइपलाइन फूटी हुई है, ठीक कर रहे हैं, पर हो ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। हम टैंकर बुला रहे तो मतलब क्या निकल रहा है? हमारे तो महीने में ऐसे ही 500-1000 रुपये लग जा रहे हैं, तो फिर नगर पालिका हमारे लिए क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। पानी की समस्या सबसे बड़ी है, पानी का समाधान करें जल्द से जल्द।